गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गीतांजलि चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी, RPIIT कैंपस करनाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ RPIIT अकेडमिक्स। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ आवर वीडियो, यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर दैम, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर द अर्ली नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो today we are going to learn about the extradural hemorrhage. So what is the site of extradural hemorrhage? It is between the skull and the outer layer of dura. So we have our brain has three outer layerings. So dura is one of the layering of the of our brain. So in between the dura and skull, the epidural hemorrhage takes place. Here you can see the epidural hematoma, or you can also see the subdural hematoma. You can also see the difference. The blue lining is the dura mater, and in epidural or in extradural, the red arterial blood is between the skull and the dura mater, whereas in subdural it is the blood is below the dura mater and the dura is still attached to the skull. And in extradural hematoma there is arterial blood which comes in between the skull and the dura mater, whereas in subdural hemorrhage there is venous blood that takes place in between the brain and the the dura mater. Means agar hum baat kare तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहाँ होता है? स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में। ड्यूरा मैटर एक लेयरिंग है जो कि हमारे ब्रेन की तीन लेयरिंग में से एक है। तो दो टाइप के मेन हेमरेज मिल पाए जाते हैं, एपिड्यूरल और सबड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल और सबड्यूरल। एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में, सबड्यूरल होता है ड्यूरा मैटर के नीचे। एक्स्ट्राड्यूरल में आर्टेरियल ब्लड आता है रेड कलर का, ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि वो, और सबड्यूरल में वीनस ब्लड आता है ड्यूरा मैटर के नीचे। सबड्यूरल में जो ड्यूरा मैटर है वो स्कल के साथ अटैच रहती है, एपिड्यूरल में वो अटैच नहीं रहती है, वो ब्रेन के साथ अटैच रहती है। जो सबड्यूरल है उसमें वीनस ब्लड आता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो थोड़ा कम रेडिश होएगा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज सोर्स ऑफ ब्लीड होता है मिडिल मेनिंजियल वेसल्स एंड मोस्टली आर्टरीज, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज, एंड इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद दी स्कल फ्रैक्चर। मतलब कब होएगा? जब पेशेंट को स्कल फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तब। प्रेजेंटेशन कैसी होगी? इंजरी में ल्यूसिड इंटरवल आएगा, मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस रीगेन करेगा और वापस अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी? टेम्पोरोपेराइटल रीजन, क्योंकि इस सहारे ज़्यादा गिरते हैं, बाइक से हो या कोई एक्सीडेंट हो, इसीलिए। ल्यूसिड इंटरवल इज़ अ टेम्पररी इम्प्रूवमेंट इन अ पेशेंट्स कंडीशन आफ्टर अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, आफ्टर विच द कंडीशन डिटोरियोरेट्स। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, टेम्पररी इम्प्रूवमेंट आएगी, पेशेंट गिरा, अनकॉन्शियस हुआ, टेम्पररी इम्प्रूवमेंट आई, कॉन्शियसनेस आई और वापस से अनकॉन्शियस हो गया। अ लूसिड इंटरवल इज स्पेशली इंडिकेटिव ऑफ एन एपिड्यूरल हिमाटोमा। अगर किसी की ऐसी प्रेजेंटेशन है कि उसको लूसिड इंटरवल आ रहा है, दैट मीन्स उसको एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा हुआ है। हमें सिटी स्कैन पे एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज कैसे दिखेगा? एक लेंस शेप का, या फिर कह सकते हैं बाई कन्वेक्स शेप का दिखेगा। हाइपर डेंस लिजन होएगा जो कि ब्रेन और स्कल के बीच में दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेन और स्कल के बीच में दिखेगा, जो वो हमारा एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा है, और स्पेशली बाई कन्वेक्स शेप का होएगा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट सर्जिकल इवैक्यूएशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। मतलब जल्दी से जल्दी इसको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? वो सर्जन पे बेस्ड है। ज़्यादातर बर होल सर्जरीज करी जाती हैं इसके लिए। थैंक यू।